बाबर आजम की कप्तानी एक बार फिर से कटघरे में आ गई है। बाबर आजम की कप्तानी पर फिर से सवाल उठने लगे, और ऐसा पहली बार नहीं है जो बाबर की कप्तानी पर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि बाबर की कप्तानी पे आए दिन लोग सवाल उठाते रहते हैं, और ये लोग कोई बाहर देश के लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग होते हैं जो बाबर की कप्तानी पर, अपने देश के कप्तान की कप्तानी पर खुद सवाल उठाते हैं। इस बार बाबर को घेरे में लिया है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोइन खान ने। क्या कुछ मोइन खान ने बाबर की कप्तानी की आलोचना करी है, चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल पाकिस्तान विश्व कप जीतने की पूरी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 1992 में इमरान खान की कप्तानी में जीता था। तब से अब तक लगभग 31 साल हो गए। पाकिस्तान का सूखा अभी भी बरकरार है, जैसे हमारा सूखा 10 साल से बरकरार है, पाकिस्तान का सूखा 31 सालों से बरकरार है। उसके बाद पाकिस्तान यानी 1992 के बाद पाकिस्तान एक बार बस फाइनल में गई थी, वो फाइनल भी पाकिस्तान जीत नहीं पाई थी, तो 31 साल का सूखा उनका बरकरार है। लेकिन इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए पूरी तैयारी में पाकिस्तान की टीम है, भारत पहुंच चुकी है। तैयारियां बेसिकली पाकिस्तान की जोर शोर से हैं। बाबर आजम भी अपनी कमर कस के बैठ चुके हैं, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी पर इस बार सवालिया निशान जो है वो खड़े कर दिए हैं मोइन खान ने। दरअसल मोइन खान ने क्रिकेट पाकिस्तान को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बाबर आजम की कप्तानी जो है बेहद ही निहायत ही घटिया है। दरअसल एशिया कप में पाकिस्तान की टीम सुपर चार के मुकाबले में भारत से हार गई थी, इसी का उदाहरण मोइन खान ने दिया है। मोइन खान ने कहा है कि आप सुपर चार में भारत से हार गए, आपको जब अटैकिंग क्रिकेट खेलना था, आपको जब विकेट चटकाने थे, बाबर आजम को जब फील्ड में चेंज करने थे, यानी कौन सा फील्डर कहाँ लगाए, जब उनको फील्ड में चेंज करने थे तब आप सो रहे थे। यानी बाबर आजम की कप्तानी बहुत ही ज़्यादा घटिया है। बाबर आजम को नहीं पता कि उनके फास्ट बॉलर्स के बोल जो स्पेल है वो कितना कंप्लीट हुआ है, आगे उनको किसको बॉलिंग अटैक को सौंपना है, किस गेंदबाज को गेंद थमानी है, बाबर आजम को कुछ नहीं पता। साथ ही मोइन खान ने कहा कि जैसे 2 सितंबर को जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था तो टीम इंडिया की जो कमर है वो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने तोड़ दी थी, लेकिन नीचे आके हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने पारी को संभाला। तो इसी चीज पर मोइन खान ने कहा कि बाबर आजम को ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी और वो इसमें असमर्थ रहे। साथ ही आगे जो मुकाबला हुआ, जो 11 सितंबर को मुकाबला था एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी मोइन खान ने कहा कि बाबर आजम की घटिया कप्तानी दिखी, उन्होंने फील्ड चेंज ढंग से नहीं की और अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेला। साथ ही साथ श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने ये चीज कही कि पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से खराब नजर आई, पूरी तरीके से मिसकम्युनिकेशन उनकी टीम में नजर आया, और मिसकम्युनिकेशन नजर आ रहा है इट मीन्स कप्तान कहीं ना कहीं दोषी है, और कप्तान तो बाबर आजम है। तो ये कुछ कहा है मोइन खान ने, और पहली बार नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली बार नहीं है कि बाबर पर कोई सवाल उठा रहा है, उनकी कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान के लोग, अलग अलग लोग बाबर की कप्तानी पर सवाल उठाते रहते हैं। आप कमेंट्स करके आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि मोइन खान की इस बात से आप सहमति रखते हैं या नहीं, कमेंट्स करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए।